गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है इंग्लिश पेडागॉजी के लिए जो NCF के ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्योंकि बहुत सारी टीचिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो NCF 2005 से रिलेटेड होते हैं, तो वैसे सारी अच्छी चीज़ें NCF में कही गई हैं, तो अच्छी चीज़ों को भी देखें तो भी हम कह सकते हैं, NCF को देखें तो भी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश पेडागॉजी में कौन कौन से चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे पहला जो NCF का यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के शिक्षा। अगर इंग्लिश पेडागॉजी के पर्पज़ से देखें तो फ्री फ्रॉम टेक्स्ट बुक, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट बुक नहीं रखनी है, उसके बोझ को नहीं बढ़ाना है, आपको नॉलेज को जो एक्वायर कराना है बालकों के, जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में, उसके लिए बर्डन नहीं डालना है, एक ऐसा क्रिएटिव एनवायरनमेंट तैयार करना है कि बालक स्वयं से सीख सके। दूसरा इसका है नॉलेज आउटसाइड ऑफ स्कूल, नॉलेज आउटसाइड ऑफ स्कूल से यहाँ पे जो मीन निकलता है वो है कि जैसे आपके कॉलेज की चीज़ें, आपके बुक तक की चीज़ें, स्कूल की एक्टिविटीज़ वहीं तक नहीं रहे, वो आपके स्कूल के बाहर की चीज़ों को भी यहाँ पे जोड़े, अर्थात ज्ञान विद्यालय से बाहर का जो आपका वास्तविक वातावरण है उससे जोड़ा जाए। तो जैसे आप पोएम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे उदाहरण, ऐसी भावनाएं बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो उस पोएम को यहाँ पे आत्मसात कर सकें। फिर तीसरी इसकी बहुत ही मुख्य खासियत यह है कि इंक्लूसिव लर्निंग मेथड, ये क्या होता है, समावेशी आपका अधिगम विधि के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए, समावेशी बच्चों को ले ले, समावेशी पाठ्यक्रम को ले ले, चाहे समावेशी एनवायरनमेंट को ले ले, सारी चीज़ें यहाँ पे समावेशी होनी चाहिए, सबको जिसको जितनी आवश्यकता है उसको मिले, किसी को वंचित नहीं किया जाए और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाए। फिर है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग लगे बच्चों को, इस प्रकार के उनको अनुभव देने हैं ताकि वो चीज़ों को बेमन से ना ग्रहण करे, रुचि उनकी बनी रहे, एक्साइटमेंट उनका बना रहे। फिर नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लमेटिक एटमॉस्फेयर, मतलब एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण आपको करना है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान या आपके सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए और जो लर्निंग हो वो और ज़्यादा स्थायी हो। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग मेथड से पढ़ाना है ताकि बच्चों की जो सोचने की, चिंतन करने की, विचार करने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट जो आपका है कोऑपरेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब आपको उसको जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको कोऑपरेटिव बनाना, मतलब एक दूसरे के सहभागिता से बच्चे सीखें और होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप उनका सर्वांगीण विकास यहाँ पे करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन्जॉयबल, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें उसमें लचीलापन होना चाहिए, या NCF ने कई हर विषय के लिए क्या यहाँ भी हो कि ऐसा नहीं कि आप एक ही रिजिड मेथड से या रिजिड टॉपिक को पढ़ाते रहें, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और बच्चों को यहाँ पे इन्जॉय करना चाहिए, आनंद की अनुभूति उनको होनी चाहिए। और चीज़ें अगर देखें NCF की तो इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी दैट क्रिएट अवेयरनेस, मतलब जो आपके विश्व के प्रति आपकी जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए इंग्लिश को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अदर जो देश हैं वहाँ पे भी लैंग्वेजेस जो हैं वो मैक्सिमम एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश चलती है, तो अगर हम ज़्यादा चीज़ें जानेंगे तो हमारे जो ज्ञान की सीमा है वो बढ़ जाएगी। फिर सेल्फ रेगुलेशन स्किल, ऐसी स्किल डेवलपमेंट आपको बच्चों की करनी है जो सेल्फ रेगुलेटेड हो, मतलब यहाँ पे खुद से वो क्या करें, सेल्फ रेगुलेशन नॉलेज का करें। फिर है रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग, यहाँ तर्क करने की क्षमता, गहन विचार करने की क्षमता, मतलब आप सजग रहें, एक्टिव रहें और रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है यहाँ पे NCF 2005 में इंग्लिश पेडागॉजी का। फिर अगर आप देखें कुछ अन्य पॉइंट भी यहाँ पे देखेंगे हम, इंटीग्रेटेड ग्रामर, तो ग्रामर हो वो इंटीग्रेटेड अर्थात एकीकृत हो, आप पर्टिकुलर एक एक पोर्शन को जिस प्रकार से
किसी एक पोर्शन पे ज़्यादा आपने भार दे दिया और कुछ पोर्शन छोड़ दिए, नहीं, यहाँ पे नॉलेज को इंटीग्रेटेड करना, एकीकृत करना, फिर पढ़ाना। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है लैंग्वेज का, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे बात कही गई थी, ये कोठारी कमीशन से आया था। रूट मैथड से आपको पढ़ाना है और बच्चों में एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड रिस्पॉन्ड, मतलब कोई कुछ कहता है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सके या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके, इसकी एबिलिटी, इसकी क्षमता बच्चों में लानी है। फिर है फ्री फ्रॉम मेमोराइजेशन, मतलब स्मृति रटंत विद्या मुक्त यहाँ पे बनाना है। और डेवलप रेफरेंस स्किल, रेफरेंस मतलब क्या, जहाँ से आपके सोर्सेज है, जैसे बुक तक आप सीमित हैं तो सिर्फ बुक नहीं, प्रिंटेड चीज़ें ही नहीं, नॉन प्रिंटेड मल्टीमीडिया, जैसे ई अधिगम आपका हुआ, ई लर्निंग हुआ, आप मोबाइल से लर्निंग करते हैं, ऐप से लर्निंग करते हैं, बहुत सारे ऐप से आपके इंग्लिश सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, उनसे आपको शिक्षण अधिगम जो आपका वातावरण है उसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाना है। फिर लाइब्रेरी जो हो वो इंडिपेंडेंट हो और बच्चे स्वतंत्र हो अपने हिसाब से बुक चूज़ करने को। लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ माना गया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर है बेसिक प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे बेसिक प्रोफिशिएंसी उनकी बढ़ानी है, साथ ही साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी बनाना, मतलब आपस में जो बातचीत करते हैं, संप्रेषण होता है, उसकी भी क्षमता आपको बढ़ानी है। तो अगर हम रिवाइज करें फिर से, तो NCF जो स्पेशली इंग्लिश पेडागॉजी के लिए, तो उसकी बात अगर की जाए तो उसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन, नॉलेज आउटसाइड ऑफ स्कूल, इंक्लूसिव लर्निंग मैथड, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, प्रॉब्लमेटिक एटमोसफियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का निर्माण करता कौन हो, शिक्षार्थी खुद हो, आपको क्या करना है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब यहाँ पे आपको सुविधा प्रदाता होना है और वो ज्ञान का खुद निर्माण करे। फिर कोऑपरेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, फ्लेक्सीबिलिटी एंड एन्जॉयबल एनवायरमेंट। फिर इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी दैट क्रिएट अवेयरनेस। फिर है आपका सेल्फ रेगुलेशन स्किल, नेक्स्ट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश पेडागॉजी। नाउ वी विल डिस्कस मैनी अदर पॉइंट्स लाइक इंटीग्रेटेड ग्रामर, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, रूट मैथड एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड रिस्पॉन्ड, फ्री फ्रॉम मेमोराइजेशन, डेवलप रेफरेंस स्किल, प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड, लाइब्रेरी, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बेसिक डेवलप बेसिक प्रोफिशिएंसी एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम देखें कि हर साल प्रश्न जो आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में सारे चीज़ें दिख गई होंगी, आप एक बार एनालिसिस करिए, तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ें हैं और निश्चित तौर पे इससे आपके कुछ प्रश्न फंसने की संभावना है, नहीं तो आप कम से कम ये सीख लेंगे कि NCF के अकॉर्डिंग हमको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है।